अस्सलाम वालेकुम ब्लॉगर ट्यूटोरियल और ब्लॉगिंग कोर्स की एक और वीडियो के साथ मैं हसन रज़ा हाजिर हूँ। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें फ्लोटिंग कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना सिखाएं, और आज मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर वीडियो बना दी जाए। अपने ब्लॉग के ऊपर फ्लोटिंग कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे लगाया जाता है, उसके लिए हमें दो जो है कोड्स की ज़रूरत होती है, HTML और CSS। ये दो कोड्स हमें चाहिए। अब आप लोगों को ना तो CSS आता होगा और ना HTML, तो इसलिए मैंने वो दोनों फाइल्स ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हैं ताकि डायरेक्ट उनका कोड मैं आपको लगा कर बता दूं। और ये दोनों कोड्स मैं आपको दिखाने वाला हूं ये आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इजीली आप इन लिंक्स पे क्लिक करेंगे तो एक ऐड ओपन होगी, 5 सेकेंड विजिट करके आप स्किप करेंगे तो आपको आपका कोड जो है वो मिल जाएगा। चलिए पहला आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने CSS वाला जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ये देखिए लिखा हुआ है मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म CSS, इस कोड को विदाउट चेंज, चलो मैं अभी लगा रहा हूँ, इसको आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो, जैसे इसकी विथ है, हाइट है, बॉर्डर है, बैकग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड कलर है। अगर इस कोड का आपको समझ आ जाए तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, अपनी मर्जी का इसको सेटअप बना सकते हो। तो आप एक्सपेरिमेंट खुद कर सकते हो, जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने सेटअप तैयार कर लिया। इसको मैं अब कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करूँगा विदाउट चेंजिंग, ठीक है। CSS को मैंने कॉपी कर लिया, इसको आपने कहाँ पे डालना है, आपने जाना है डायरेक्ट थीम में, यहाँ से आपने एडिट HTML पे क्लिक करना है। इंटरनेट स्लो होने की वजह से ज़रा टाइम लग रहा है, या गया है। यहाँ पर आपने कोड CSS को फाइंड करना है, कोड स्किन को आपने फाइंड करना है। फाइंड करने का मेथड वही है जो हर दफ़ा होता है, वो कैसे है ना कुछ दिखाता हूँ। कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सर्च बार ओपन हो जाएगा, आपने उसमें स्किन का टैग जो है वो फाइंड करना है लाइक दिस। देखो ना बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल इसके, अगर इसको मैं एक्सटेंड कर दूँ लाइक इसको रिलीज कर दूँ, ओपन कर दूँ इस कोड को, तो ये कुछ इस तरह से कोड हो जाएगा लाइक इसमें CSS कोड वगैरह जो है वो लगा हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो कोड जो है वो ऐड करेंगे इसको स्किन के अंदर। यहाँ पर मैं उस कोड को जो है ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। स्क्रीन के अंदर इस कोड को मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, जब आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म HTML के कोड को पकड़ना है, इसमें बिल्कुल चेंजिंग आपने नहीं कर दी, ठीक है। इसको मैं आप कंट्रोल ए करूँगा और कंट्रोल सी करूँगा, एंड देन मैं इसको नीचे कर देता हूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ। अब हमने जो कोड फाइंड करना है वो बॉडी का कोड होगा, आपने बॉडी का क्लोजिंग टैग फाइंड कर लिया। अब आपने इस कोड के अंदर यहाँ पर लाइक इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब आप इसको सेव कर लेंगे, क्लोजिंग बॉडी टैग में आपने ये बिल्कुल इसके ऊपर को डालना है। अब हम जाएंगे सीधा ब्लॉग को व्यू करने के लिए, सो हियर इज द कॉन्टैक्ट फॉर्म एंड व्हेन यू क्लिक इट विल ओपन, सीधा कॉन्टैक्ट अस नेम ईमेल मैसेज एंड यू कैन सेंड। उम्मीद करता हूँ आपको फ्लोटिंग जो कि बिल्कुल राइट साइड पे आता है, ये देखिए आप इसको फ्लोट लेफ्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कोड आपको चेंज करना है, इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, बटन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। एक चीज़ और याद रखिए कि यहाँ पर ये जो आपको कोई भी कांटेक्ट करेगा ये एडमिन को जाएगा, ऑथर्स को नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी कॉन्टैक्ट करता है तो वो डायरेक्ट एडमिन के ई मेल में जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपको सब्सक्राइब का बटन दिखा देता हूँ किस तरह से बना होता है ताकि आपको आसानी हो, और मेरे पेज को लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है। सो का 355 लाइक हैं,
और 358 सब्सक्राइब हैं, तो आप भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा हिस्सा बने। अगले वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।